देखिए, मन को बहलाने का ख्याल अच्छा है गालिब, समय काट रहे हैं, काट लें, कुछ नहीं हाथ लगने वाला है, कोई वैकेंसी नहीं है। विपक्ष नाम की जो चिड़िया है वो भ्रष्टाचारियों का जमात है। जेडीयू हमारे क्या फूल खोलेगी? जेडीयू उसका उत्पत्ति पहले कैसे हुआ? जेडीयू बनी कैसे? समता पार्टी बनी कैसे? किसका तलवा चाट रहे हैं? जेडीयू पहले इस पर सफाई देना। जनता के बीच में पोल खुल चुकी है जदयू की। जदयू डूबता हुआ जहाज है। जदयू के नीचे से जमीन खिसक गई है, लेकिन उसको एहसास नहीं है। समय आने दीजिए। जदयू का वो हश्र होगा, उसने सोचा भी नहीं होगा। केंद्र की मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर बीजेपी अगले 1 महीने तक बड़ा कार्यक्रम करेगी। गांव-गांव जाएगी, घर घर जाएगी, लोगों को केंद्र की मोदी सरकार की योजनाओं के बारे में बताएगी। लेकिन जेडीयू लगातार बीजेपी पर हमलावर है। जेडीयू लगातार पोल खोलने की बात कर रही है। हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं हरिभूषण जी। हरिभूषण जी, आप लोग का 1 महीने का जो कार्यक्रम है, क्या करेंगे कार्यक्रम को लेकर? देखिए, कार्यक्रम है कि 9 साल बेमिसाल। माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी का 9 साल हुआ है, और 9 साल में भारत के आम जनता को क्या लाभ हुआ है, और वैश्विक स्थिति में भारत कितना मजबूत हुआ है, ये हर घर हर द्वार जा करके हम लोग बताएंगे। और 9 साल में जो प्रगति की है भारत, उसका लेखा जोखा चूंकि मालिक जनता है, उसके सामने प्रस्तुत करेंगे। जेडीयू कर रही है कि जनता को ठगने का काम आप लोगों ने किया है, और आपकी पोल खोलेगी जेडीयू। अच्छा, जेडीयू हमारी क्या पोल खोलेगी? जेडीयू का उत्पत्ति पहले कैसे हुआ? जेडीयू बनी कैसे? समता पार्टी बनी कैसे? किसके विरोध में बनी, या किस सत्ता का मलाई खाने के लिए किसका तलवा चाट रहे हैं? जेडीयू पहले इस पर सफाई देना। जनता के बीच में पोल खुल चुकी है जदयू की। जदयू डूबता हुआ जहाज है। जदयू के नीचे से जमीन खिसक गई है, लेकिन उसको एहसास नहीं है। समय आने दीजिए। जदयू का वो हश्र होगा कि उसने सोचा भी नहीं होगा। अब तो उनके सबसे बड़े नेता हैं नीतीश कुमार जी, उन्हीं को हैंडलर चला रहा है। मत बोलिए, उनको बोलने नहीं दिया जा रहा है, तो वो तो एक कॉकस में फंस गए हैं। जदयू नाम की चिड़िया नहीं रहेगी 24 के लोकसभा चुनाव में, आप देख लीजिएगा। आप कह रहे हैं कि जेडीयू खत्म हो जाएगी, और नीतीश कुमार ने एक बड़ा काम किया है कि 12 को पटना में एक बड़ी बैठक होगी, जिस बैठक में तमाम विपक्षी दलों के नेताओं को बुलाया है, और लगातार ये दावा किया जा रहा है कि आने वाले समय में केंद्र की मोदी सरकार को सत्ता से बेदखल करने का एक तरह से शंखनाद है। अब विपक्षी की बैठक कर्नाटक बंगलोर में भी हुआ था, नीतीश कुमार जी को कहां बैठा दिया था सो भान है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को पीछे की कुर्सी दी गई थी। अब विपक्ष की एकता में जो KCR को नहीं बुलाया गया, केजरीवाल को नहीं बुलाया गया, वो लोग आते हैं कि नहीं आते हैं देखना है। देखिए, मन को बहलाने का ख्याल अच्छा है गालिब, अब समय काट रहे हैं, काट लें, कुछ नहीं हाथ लगने वाला है, कोई वैकेंसी नहीं है। विपक्ष नाम की जो चिड़िया है वो भ्रष्टाचारियों का जमात है, और भ्रष्टाचारियों में से कितने इलेक्शन आते आते तक जेल जाएंगे। नीतीश कुमार जी भी जो पाप किए हैं, उनका भी अंत बहुत जल्द होने वाला है। नए संसद भवन को लेकर काफी राजनीति हुई, जेडीयू ने विरोध किया, प्रदर्शन किया, कांग्रेस ने भी प्रदर्शन किया, RJD ने ट्वीट किया, और संसद की तुलना जो है वो ताबूत से कर है। अगर दम तो इस्तीफा दे दें, अगले सेशन में नहीं जाए। लोकतंत्र का महामंदिर बना है, उससे भी लोगों को ईर्ष्या द्वेष है, या उन लोगों की मनस्थिति बताती है कि किस परिस्थिति में वो लोग हैं। और कांग्रेस पार्टी हो या जदयू हो, बहिष्कार करने वाली पार्टी, अब जैसे RJD ने ताबूत बनाया, तो RJD के लिए तो ताबूत है, उसके 0 MP हैं, और आने वाले दिनों में ताबूत ही जगह होगा RJD के लिए, आप देखिएगा। बिल्कुल, बीजेपी के नेता हैं हरिभूषण जी, इनका दावा है कि आने वाले समय में जो 2024 में लोकसभा चुनाव होगा, उसमें कोई विपक्षी दल की एकता काम नहीं करेगी। एक बार फिर केंद्र में मोदी सरकार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, और RJD जो है एक बार फिर 0 पर ही आउट होगी। कैमरा सुनील के साथ अनिश कुमार, कशिश न्यूज, पटना।